रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली कर रहे हैं राज, साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने खोल दिया मुंह। आज सेथ रॉलिंस ने साफ कह दिया है कि कोडी की जगह उन्हें होना चाहिए था। आज की वीडियो काफी धांसू, काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। एंड दोस्तों, इसके एंड में हम बात करने वाले हैं द शील्ड के तीनों ही मेंबर्स की। होप करूंगा आप शुरू में इसे द शील्ड के नाम कर दीजिएगा लाइक। वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे लगभग 2000 लाइक का। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉ के ऑफ एयर जाने से। रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद दोस्तों हम लोगों ने दिखा एक वैलेंटाइन डे स्पेशल सेगमेंट, जो कि दोस्तों रिया रिपली की तरफ से था। तो डोमिनिक दोस्तों नाइट को भुनाना चाहते थे, वैलेंटाइन डे रिया के साथ रेस्टोरेंट में मनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों पूरी की पूरी डेट बर्बाद हो गई थैंक्स टू रे मिस्टीरियो। क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस, वहां होता क्या है कि रेस्टोरेंट में दोस्तों डोमिनिक ने एक टेबल बुक करवा रखा था, लेकिन उस टेबल पर पहले से ही रे मिस्टीरियो खाना खा रहे थे। जब डोमिनिक को पता चलता है तो गाइस वो रिसेप्शन एरिया से होते हुए सीधे अंदर जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये टेबल हमारा है, यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद रे मिस्टीरियो कहते हैं, ठीक है बेटा मैं निकलता हूँ। जिसके बाद चले जाते हैं वहाँ से, जिसके बाद रिया एंड डोमिनिक दबा कर खाते हैं। वहाँ दोस्तों जब बिल बनता है तो डोमिनिक का जो कार्ड रहता है वो डिक्लाइन हो जाता है। पीछे पुलिस वाले बैठे हुए थे, डोमिनिक को इतना डर लगा कि गाइस वो रिया रिपली को छोड़ के वहाँ से भाग गए, जिसके बाद रिया रिपली को पैसे देने पड़ गए। तो लिटरली दोस्तों रॉ के बाद जो कुछ हुआ काफ़ी फनी, काफ़ी हिलेरियस था। प्लस दोस्तों रिया रिपली को पता चल गया है कि डोमिनिक जैसा बॉयफ्रेंड बनाने का क्या नुकसान रहता है। बात कर लेते दोस्तों अब अपने एज की। तो गाइस फिन बैलर ने एज के ऊपर शॉट लिए हैं, जहां रिया की डेट बर्बाद हुई फिन ने दोस्तों एज का मूड खराब करने की कोशिश की। तो रॉ के बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिली कि एज के पोस्टर के ऊपर दोस्तों मिडल फिंगर दोस्तों रखी है फिन ने। ये तस्वीर दोस्तों सोशल मीडिया पर वो पुट किए हैं। फिन दोस्तों फेस करने वाले बैथ के साथ मिलकर एज एंड दोस्तों बैथ फिनिक्स की जोड़ी को। ऐसे में दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर से पहले एक बेहतरीन टीज है। अब देखते हैं दोस्तों एज इसका बदला कैसे लेते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपनी मॉन्ट्रियल कनाडा की, जहां एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है। तो चेंबर से पहले दोस्तों सेमी जेन हमारे पहुंच चुके हैं, और गाइज जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं सेमी जेन आइस हॉकी खेल रहे हैं। और गाइज इसके अंदर दोस्तों एक पपेट के साथ खड़े, कुल मिलाकर दोस्तों सेमी जेन पहले पहुंच चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर से मॉन्ट्रियल, क्योंकि दोस्तों इस बार की स्मैकडाउन वहीं से लाइव होने वाली है। सेमी जेन वहां पार्ट है, द उसोस पार्ट नहीं होने वाली इस बार की स्मैकडाउन का। देखना होगा कि रोमन रेंस क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन कितने चांसेस लगते हैं रोमन रेंस को कि सेमी उन्हें हरा सकता है, आगे जरूर बताऊंगा। बात करूंगा दोस्तों अब अपनी NXT की। तो गाइस NXT भी काफी खासम खास गई है आज की, जहां दोस्तों हम लोगों ने देखा है जिंदर महाल ने दोस्तों चैलेंज कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिंदर दोस्तों जब तक मेन रोस्टर में था काफ़ी ज़्यादा दोस्तों रिलेवेंट होते जा रहे थे, लेकिन आज दोस्तों उन्हें फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका मिल गया है, जहाँ उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को जाकर चैलेंज कर दिया है अलॉन्ग विद इंडस शेयर। दोस्तों उन्होंने ताल ठोकी है NXT वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहाँ नेक्स्ट वीक वो ब्रॉन ब्रेकर को फेस करेंगे। तो फिर से चैंप वो बन सकते हैं, देखेंगे बनते हैं या फिर नहीं। बात कर लेते दोस्तों अपने डॉल्फ एंड अली की। तो रॉ के खत्म होने के बाद दोस्तों एक एक्सक्लूसिव वीडियो पुट किया है डब्ल्यू वालों ने, जहां अली एंड डॉल्फ की बात लगती है। कल दोस्तों अली हार गए अपना मैच, ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ ये मैच था, और इस मैच के हारने के बाद दोस्तों बैकस्टेज जाते हैं, डॉल्फ मिलते हैं, डॉल्फ के सामने बहाने रखने वाले थे। डॉल्फ कहते हैं कि मुझे तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनना, देख तू रीड से हारा, मैं भी हारा हूँ, मैं मानता हूँ तू काफ़ी बढ़िया बंदा है, और ये विश्वास तुझे भी खुद के अंदर जगाना है। अली कहते हैं कि मैं खुद में विश्वास रखता हूँ, मैं मानता हूँ मैं बेहतरीन सुपरस्टार हूँ, और ऐसे में मैं तुझे फेस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आगे जाकर आपको इनका मैच देखने को मिलेगा मे बी नेक्स्ट वीक। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है AEW के टैलेंट से, जो कि जल्द WWE का पार्ट हो सकते हैं। तो गाइज द रिवाइवल FTR जो है लौट सकती है। इस वक्त दोस्तों AEW के अंदर बहुत से सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि WWE में वापस जाना चाहते हैं। रीज़न है दोस्तों Triple H, और इन्हीं में दोस्तों दो सुपरस्टार्स हैं जिन्हें हम द रिवाइवल के नाम से जानते हैं। AEW में इनका नाम FTR है। डेक्स हार्वुड ने दोस्तों कल एक दारू की तस्वीर पोस्ट की, जहां दोस्तों टेबल पर एक कागज़ की पन्नी दिखाई देती है, और यही पन्नी साफ सबूत है कि WWE वालों ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इसके नीचे दोस्तों WWE का साइन है, और रिपोर्ट्स की माने तो ये WWE का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि Triple H ने भिजवा रखा है।
ट्रिपल एस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं द रिवाइवल को, और इस वक्त वो चाहते हैं कि वो वापस आए कंपनी में। और यहाँ डेक्स हार्डवुड से काफ़ी बड़ी गलती हो गई, जहाँ दोस्तों जब उन्होंने वो तस्वीर दूसरे अकाउंट पर पोस्ट की, ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की ना, तो वहाँ से उन्होंने क्रॉप कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि डेक्स को भी पता चल चुका है उनसे बड़ी गलती हो गई है। लेकिन हाँ, देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी कि जल्द हम लोगों को द रिवाइवल WWE में देखने को मिले। बात कर लेते हैं अपने ब्रॉक लेसनर की, तो बहुत से लोग मेरी उस स्टेटमेंट से काफ़ी हताहत है कि लेसनर एक हील सुपरस्टार है। हाँ, लेसनर हील ही है, जिसका सबूत दोस्तों रॉ में देखने को मिला है। तो आप बोलेंगे गौरव भाई रॉ के अंदर तो लेसनर को चैंट लगी है, तो हाँ लोग पसंद कर रहे हैं लेसनर को, लेकिन लेसनर ऑफिशियली एक हील है। दरअसल लेसनर ने दोस्तों रॉ के अंदर एक बच्चे को हैट पहनाई, ये चीज़ शायद आपने देखी होगी या फिर नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, बच्चे को हैट पहनाते हैं वो अपनी एंट्रेंस पे कल, और फिर वो हैट खींच लेते हैं गुस्से में। ये दोस्तों एक हील मूव है, और लेसनर दोस्तों हील ही है, बट जैसे ही दोस्तों लोग उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, वो एज ए फेस रिएक्ट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर राइवलरी में हम उन्हें फेस कह सकते हैं। ओवरऑल वो एक हील सुपरस्टार ही है। तो लेसनर के नाम एक लाइक तो बनता है, वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 2000 लाइक का। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने कोडी रोड्स की। रॉ के अंदर दोस्तों कल कोडी रोड्स ने भी काफ़ी उद्धम मचाया है, जहाँ दोस्तों बात की जाए हमारी कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट डिटेल निकल कर सामने आई कि कितने साल तक वो WWE के साथ बाउंड है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कोडी रोड्स 2025 तक WWE के साथ बाउंड है, और इसके अंदर जो चीज़ निकल कर सामने नहीं आ पाई है ना, वो है दोस्तों कि उन्हें कितना पैसा दिया जा रहा है। तो आज दोस्तों मैं आपको बहुत से सुपरस्टार्स की कमाई के बारे में बताऊंगा आगे, बट मैं कोडी के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट की माने तो गाइज कोडी कितना कमा रहे हैं कोई नहीं जानता। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की हमारी थर्ड लास्ट न्यूज़ की, तो थर्ड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। गाइस सेथ रॉलिंस ने दिल की बात कह दी है, सेथ रॉलिंस ने पूरा गुस्सा उतार दिया WWE के ऊपर, और वो चीज़ कह दी है जो कि दोस्तों हम सुनना भी चाहते थे। सेथ ने ये चीज़ कही कि देखो कोडी अगर रोमन रेंस को हराता है ना रेसलमेनिया में, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, और ये मेरे लिए काफ़ी हार्ड टू डाइजेस्ट रहेगा। कोडी मेरे कैलिबर का सुपरस्टार है, मैंने उसे फाइट करी है, लेकिन मुझे होना चाहिए था उसकी जगह पर, मुझे फेस करना चाहिए था रोमन रेंस को। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी दोस्तों लेजिट, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं पुख्ता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस से जब रोमन रेंस लड़े थे ना लास्ट टाइम, तो मैच DQ में ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। हम लोग जानते हैं कि सेथ हराने की काबिलियत रखते हैं, और पास्ट में हराए भी हैं, लेकिन सेथ को दूसरा मौका मिलता ही नहीं है। तो क्या वाकई में सेथ को होना चाहिए था कोडी की जगह, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अपने ट्राइबल चीफ की, ट्राइबल चीफ को क्या लगता है कोडी उन्हें हरा सकते हैं, क्या सेमी उन्हें हरा सकते हैं? तो दोस्तों रोमन रेंस अब टिकटॉक के ऊपर है, और ट्राइबल चीफ ने टिकटॉक बनाई एक, जिसके अंदर दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि इफ़ यू गॉट हैव अ पिप रैली दैट यू कैन कन्विंस ईच अदर दैट यू कैन बीट मी, You don't stand a chance, I'll see you in Montreal. तो वो क्या चीज़ कह रहे हैं कि रॉ के अंदर जो भी कॉन्वर्सेशन हुई सेमी की कोडी की, वो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि तू हरा सकता है, तू हरा सकता है, इन दोनों के बिल्कुल भी चांस नहीं है मुझे हराने के, सपना देख रहे हैं, और सेमी को मॉन्ट्रियाल में फेस करने की बात किए हैं आगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है दोनों को लेकर, एंडी हमें पता चल गया है कल की रॉ को दोस्तों आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर आप मेरी पूरी समरी देख सकते हैं कि रॉ के अंदर क्या कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, रोमन रेंस ने दोनों को जोकर बताया है, दोनों को दोस्तों मजाक बताया, दोनों को वो हराने वाले हैं, ये सब उन्होंने दोस्तों इस टिकटॉक में साफ किया है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने ट्राइबल चीफ एंड मॉक्सली की, जो कि WWE and AEW पर राज कर रहे हैं। तो जहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस को मौके नहीं मिल रहे हैं, वहीं दोस्तों रोमन एंड जो हमारे अपने मॉक्सली सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं WWE की लिस्ट 2022 की, सबसे ज़्यादा पैसा सुपर किन सुपरस्टार्स ने कमाया, वो लिस्ट सामने आई है। लेसनर 13.5 मिलियन के साथ नंबर एक पर है, फिर रोमन रेंस 7.5 मिलियन के साथ, ड्रू है 6 मिलियन के साथ, फिर रैंडी है, फिर दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं सेथ रॉलिंस $4 मिलियन। लिस्ट पूरी आपके सामने है। यहाँ दोस्तों देखने वाली चीज़ यही है कि लेसनर को दोस्तों उनके बैकग्राउंड की वजह से पैसा मिल रहा है, रोमन रेंस जो कि पूर्ण तरीके से एक रेसलर है, उन्हें दोस्तों सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। वहीं बात की जाए अब AEW के टैलेंट्स की, तो जॉन मॉक्सली नंबर एक पर है 6 मिलियन के साथ, फिर क्रिस जेरिको, कैनी ओमेगा, CM Punk $3 मिलियन कमा रहे। तो $6 मिलियन कोई बढ़िया है कैलकुलेशन में, तो कमेंट में बता सकता है कि 6 मिलियन कितने रहते हैं।
तो सिर्फ सिर्फ 1.5 मिलियन का अंतर है दोनों भाइयों में। और इस वक्त दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार अपनी अपनी कंपनीज में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, जहां मॉक्सली पूर्व चैंपियन है, ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए हैं। तो वाकई में दोस्तों शील्ड ब्रोस जो है इस वक्त रेसलिंग वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं। अभी से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। 2023 में दोस्तों ये दोनों अपनी अपनी कंपनीज में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। तो एक लाइक तो दोस्तों शील्ड के नाम बनता ही है। वेल सेथ को भी थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए ये मैं कहूँगा। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लस दोस्तों आप हमें ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।